नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, पूरी बातें कर लेंगे अपन, विदेश के बारे में बात करेंगे, ओमिक्रॉन के बारे में बात करेंगे, इंडिया में क्या स्थिति है ओमिक्रॉन की, फ्लाइट को बारे में बात करेंगे, नई गाइडलाइन इंडियन सरकार ने जारी की है एयरपोर्ट पे, आप अगर इंडिया आते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, टिकट के बारे में, फ्लाइट के बारे में सब कुछ हम बात करेंगे। 5-7 मिनट की जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं विदेश जाने के लिए, आने के लिए, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं ओमिक्रॉन। जी हाँ साथियों, 26 नवंबर फर्स्ट एक केस आया था इंग्लैंड के अंदर। जी हाँ, एक केस से लेके अभी अगर बात करें जी, तो लगभग 10,000 प्लस ये क्रॉस कर चुका है पूरी, अगर बात करें 80 देशों में ये फैल चुका है, 80 देशों में 10,000 से ऊपर ओमिक्रॉन के लोग संक्रमित पाए गए। जी यूके की बात करें तो साथियों, एक दिन में 80,000 केस आए। जी हाँ, सोचने की बात है, 80,000 में से 4,500 केस अकेले ओमिक्रॉन के इंग्लैंड में आए। जी हाँ, और इंग्लैंड की सबसे बड़ी बात क्या है भैया, 80,000 केस कल की डेट में है, यानी 15 दिसंबर को लगभग 78,000 यानी 80,000 मान लें, 80,000 केस में से 4,500 केस ओमिक्रॉन के हैं। उनके बावजूद भी यूके ने घोषणा की है कि हमने जो 9-10 कंट्रियों पे फ्लाइट की बैन लगाया था, जैसे अफ्रीका के देश थे, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड, उन सब की फ्लाइटें ओपन करने जा रहे हैं। जी हाँ, यूएस अमेरिका की बात करें तो साथियों, अगले 3 महीने यूएस में भी भाई आपको पता है 8,00,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, और अभी चरम सीमा पे अभी भी वही स्थिति है कोरोना की। एक अनुमान के मुताबिक ये आकलन लिया गया कि अगले 3 महीने में अमेरिका में 80,000 मौतें कोरोना से हो सकती हैं। जी हाँ, हालांकि कोरोना वैसे बढ़ रहा है, नो डाउट। आगे अगर बात करें तो अगर आप ओमिक्रॉन से या कोरोना का टीका लगवाना चाहते हैं किसी भी देश में, तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाई थी, सिनोवैक। जी हाँ ठीक है, सिनोवैक वैक्सीन आप सबको पता है, जो गल्फ देशों में भी धड़ल्ले से लोग लगवा रहे हैं, वो फेल हो चुकी है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि वो फेल हो चुकी है। वो अगर लगवा लेते हैं फिर आप ट्रेवल करते हैं, आपको लगता है कि आपको तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने वैक्सीन लगवा रखी है। ये एक बता दूँ, हांगकॉन्ग की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक बता दूँ 28 लोगों पर एक शोध किया गया है, उसमें यह जानकारी निकल के आई है कि जो चाइना की सिनोवैक वैक्सीन है वो इस ओमिक्रॉन पे असर नहीं कर रही है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि अगर चाइना की बात करें तो भाई लगभग अफ्रीकन कंट्रीज में लगभग 2 अरब डोज चाइना ने अलग अलग देशों में भेजी हैं, विकासशील देशों में, जिन देशों की स्थिति खराब है उनमें 2 अरब डोज भेजी हैं। लेकिन इसका रिजल्ट अगर ये बताया जा रहा है एक शोध के मुताबिक कि 0 है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, सिनोवैक नया लगवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी और बहुत सारी डोज हैं वो आप लगवा सकते हैं। जी सबसे बेस्ट है भाई एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड लगवा लें, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप विदेश में हो, एस्ट्राजेनेका द बेस्ट है, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है, ये आप लगवा सकते हैं। ओमिक्रॉन की अगर बात करें साथियों, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं है इंडिया में। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, नो डाउट, 100 से भी ज़्यादा केस इंडिया में आ चुके हैं अभी लेटेस्ट। अगर 10 दिन की बात करें तो राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के केस आए हैं, राजस्थान के 8 जिलों में कल की डेट में 20-25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी एक तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं एक तरीके से। हालांकि इंडिया में कंट्रोल में है, कोई डरने वाली बात नहीं है, चाहे वो कोरोना हो चाहे ओमिक्रॉन हो, ओमिक्रॉन फैलता बहुत जल्दी से है, बहुत स्पीड से फैलता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इससे लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन मृत्यु यानी मौत डेथ नहीं हो रही है। इंग्लैंड में शायद एक बंदा अभी तक मरा है, बाकी इसकी डेथ नहीं हो रही है। तो एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है कि बाय चांस पॉजिटिव हो जाए तो कम से कम मरेंगे नहीं, और जिनके दोनों डोज लगी है उनको तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया में हालांकि इस ओमिक्रॉन को देखते हुए इंडियन सरकार ने भी भाई एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी है, अगर आप इंडिया आते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जरूरी है कि जब से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक भरना होता है, जो पहले हम जाते आप आते थे, पहले भी था, शुरू में बीच में हट गया था, उसमें बहुत सारे लोग आते समय गलत जानकारियां दे रहे हैं। तो अगर आपने गलत जानकारी भर दी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में और उसमें सही जानकारी नहीं भरी, उस पर कॉल वगैरह नहीं जा रहा है, तो आपके लिए सीधा का सीधा मुकदमा बनेगा, इसको अपराध की श्रेणी में इंडियन सरकार ने रखा है।
जी हाँ, तो ये बात को ध्यान में रखना है। बाकी आरटीपीसीआर 72 घंटे की टेस्ट आपके पास होनी चाहिए। 14 दिनों की ट्रेवल हिस्ट्री आपको जो एयर सुविधा पोर्टल है उस पर अपलोड करनी पड़ेगी। जी हाँ, विमान जो भी फ्लाइट्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि फ्लाइट में बैठने के बाद अगर लगता है कि इस बंदे के लक्षण हो सकते हैं ओमिक्रॉन के या कोरोना के, तो उसको विमान में ही आइसोलेट किया जाएगा। जी हाँ, विमान में एक जगह उसको दी जाएगी ताकि और लोगों के उसमें संक्रमण न फैले। 5 साल तक के बच्चों को छूट दी गई है। बाकी देखिए, जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज से, उनका सबका आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पे होगा, उसका खर्चा भी आपको खुद को उठाना पड़ेगा। और भी जो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि भैया वहाँ पे क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की गई है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम है। तो आप जब भी आएँ, तो जैसे आप आ रहे हैं राजस्थान के, आप आ रहे हैं बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, अलग अलग के, तो आप अपने स्तर पर पहले सूचना कर लें कि आइसोलेट का क्या चक्कर है, क्वारंटाइन का क्या मैटर है, पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि नियम भी बदलते रहते हैं। आप ये वीडियो आज देख रहे हो, 20 दिन बाद आ रहे हो, तो पता लगे कि ये जानकारी उसमें नहीं है, तो आपको कंफ्यूज हो सकती है। अब बात करें फ्लाइटों के बारे में। जी हाँ भाई, फ्लाइटों की स्थिति क्या है? क्योंकि देखिए, जो कोरोना है वो दम तोड़ता दिख रहा था, हम ये उम्मीद लिए बैठे थे कि भाई दिसंबर 2021 तक कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म ये हो रहा था, लेकिन इसकी जगह ओमिक्रॉन ने ले लिया। ओमिक्रॉन हालांकि लगभग 80 देशों में तेजी से फैलता जा रहा है, ये सब देशों में, ऑल वर्ल्ड में ये अभी दिसंबर के अंदर पहुंच जाएगा, नो डाउट। हालांकि इतना ये खतरनाक नहीं बताया गया है। फ्लाइटों की बंद होने की क्या स्थिति है, मेन क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि अभी ट्रेवल शुरू हुआ था, लोग जाना जाना स्टार्ट कर चुके थे, जनवरी 2022 से एकदम अच्छे तरीके से उसकी रूटीन में आ जाता, लेकिन ओमिक्रॉन ने फिर एक बार स्टॉप करने की कगार पे खड़ा कर दिया है। फ्लाइटों की बात करें तो उम्मीद जहाँ तक है, जो प्रोसेस निकल के आ रहा है, जो जानकारी निकल के आ रही है, फ्लाइटें बंद कोई भी देश नहीं करेगा। जी हाँ, क्योंकि अब ये ओमिक्रॉन के बारे में पता लग चुका है, इसका इतना इफेक्ट है नहीं, बाकी डोज लोग लिए जा रहे हैं तो इतना इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकारों को, देशों को, अलग अलग कंट्रीज को पता है कि फ्लाइटें बंद करने से ये रुकने वाला है नहीं, और अगर फ्लाइटें बंद कर देंगे तो फिर दिक्कत आती है एक दूसरे देशों को। तो फ्लाइटें जहाँ तक मुझे लगता है बंद नहीं होने वाली है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टिकटों के बारे में बात करें कि टिकटों की क्या स्थिति है, तो भाई टिकटें सस्ती हो सकती थी 15 दिसंबर के बाद में, लेकिन ये ओमिक्रॉन आने की वजह से टिकटें वापस आसमान के भाव छू रही हैं। कल यहाँ से एक बंदा सऊदी के लिए 20 तारीख की टिकट उसकी है, 90,000 रुपये दिल्ली से सऊदी के लिए टिकट बनाए हैं, मैंने खुद ने देखा है कि रियल में 90,000 रुपये लगे हैं दिल्ली से सऊदी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लाख रुपए के करीब सऊदी की टिकट आ रही है। दुबई की अगर बात करें तो टिकट ठीक है 15-16 में मिल रही थी, लेकिन 20-25 हज़ार बढ़ गए टिकट के भाव, दुबई के भी भाव बढ़ चुके हैं ओमिक्रॉन की वजह से। सभी देशों की स्थिति है भाई, लगभग 2 गुना ज्यादा हो चुकी है। ओमिक्रॉन जैसे नवंबर में आया था, दिसंबर में, ये 10 से 15-16 दिन निकले हैं ना, इसमें टिकटें डबल हो गई, सभी देशों की स्थिति है। जी हाँ, तो अब सस्ती टिकट कब हो सकती है, अगर इस पर अगर सोचा जाए, उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई अभी दिसंबर लास्ट में कुछ हो सकता है। दिसंबर देखिए एक साल का एंड ईयर होता है, बस आपको पता है एक साल का जो लास्ट का मंथ होता है, हर आदमी विदेश जाना चाहता है, बहुत सारे लोग विदेश ट्रेवल करते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए जाते हैं, तो एक वो रूटीन बन जाता है, टिकटें उसमें हाई मिलती है दिसंबर महीने में। दुबई की बात करें तो दुबई में तो एक्सपो 2020 होने की वजह से भी टिकटें महंगी है, तो उम्मीद करें भाई जनवरी 15 के बाद में टिकटें सस्ती हो सकती हैं, बाकी अभी टिकटें महंगी हैं। जरूरी है तो आप जाएं, वरना तो आप वेट कर ले, और इतने में ओमिक्रॉन का भी पता लग जाएगा कि इसकी स्थिति क्या होने वाली है। 31 दिसंबर तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि ये बढ़ेगा, या फ्लाइटों के बारे में डिटेल्स और भी बहुत सारी, क्योंकि अभी 80 देशों में पहुँच चुका है, फ्लाइट किसी भी देश ने बंद नहीं की है, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका देशों को छोड़ के। तो उम्मीद ये जता रहे हैं कि भी फ्लाइटें बंद नहीं होने वाली हैं, अभी टिकटों के भाव बढ़ रहे हैं नो डाउट, लेकिन ये टिकटें सस्ती हो सकती हैं जनवरी के बाद। जी हाँ, जनवरी स्टार्ट 2022 से ये टिकटें सस्ती मिल सकती हैं, इस दिसंबर में तो टिकटें सस्ती होने का कोई सवाल नहीं है। जी हाँ, आई होप ये 5-6 पॉइंटों पे हमने बात की है, तो आपको सब बातें समझ में आ गई होगी, इनको फॉलो करिए और आप अपने स्तर पे बाकी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।